आज हम सूजी से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, आप चाहे तो बारीक दाने वाली सूजी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसमें डालेंगे गेहूँ का आटा, तो 2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं गेहूँ का आटा। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डालते रहेंगे, एक बैग सारा पानी नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी में कोई नाश्ता बनाना है, तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो फिर से मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी भी ये देखिए गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, ढक देते हैं कुछ देर के लिए। तो 10 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। 10 मिनट हो गया है, इसको हम देखते हैं। आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम डालेंगे और भी सामग्री, तो ये थोड़ा गीला भी और होगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, तो 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है प्याज को। अब इसमें डालेंगे टमाटर, तो टमाटर भी मैंने 2 ही लिया था, इसको भी बारीक काट लिया है। प्याज टमाटर मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया है, इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च मैंने डाला था इसलिए ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डाला है। अब इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, मैंने दही नहीं मिलाया था इसीलिए मैंने नींबू का रस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनके तैयार होता है। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ऐसे ही आपको रखना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। हम गैस पर मैंने पैन रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, इसको डालकर हम कुछ देर गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। गैस के फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं तलना है कुछ भी। अब हम थोड़ा सा लेंगे चम्मच में, तो बड़ा वाला चम्मच मैंने लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है, इसको हम उसी चम्मच से सेट कर देते हैं, थोड़ा बाहर जो निकला हुआ है। कुछ देर होने के बाद हम इसको पलट देंगे, तो थोड़ा थोड़ा आयल ऐसे ऊपर डालते रहिए ताकि ऊपर भी अच्छे से हो जाए। अब इसको हम पलट देते हैं, दोनों साइड से अच्छे से हो जाएगा तभी हम इसको निकालेंगे। ये देखिए हो गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो बढ़िया नाश्ता तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला भी हम डाल देते हैं, तो फिर से हम थोड़ा सा लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसे भी हम कुछ देर होने देंगे और अच्छे से देखिए सेट कर लेते हैं इसको। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बड़ा बनाना तो बड़ा भी बना सकते हैं, और छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। ये भी हो गया है, इसको भी अब निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान सा नाश्ता है, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता तैयार है बनके गर्मा गर्म। आप इस नाश्ते को सुबह बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।